कर्नाटक की राजनीति में सिक्स सीडी ने बवाल मचा दिया है। इस सीडी में कथित तौर पर कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्ला हल्ली ने सीडी जारी करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री रमेश ने महिला का नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया। हंगामा बढ़ते देख रमेश ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सेक्स सीडी कांड में आरोपी मंत्री रमेश ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इसमें कहा, मुझ पर लगे आरोपों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ। इससे पहले रमेश ने कहा कि यह मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। यह सीडी फर्जी है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, वे किसी को नहीं जानते। वहीं सीडी के सामने आने के बाद कांग्रेस ने मंत्री रमेश के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलोर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को तत्काल प्रभाव से रमेश जारकीहोली का इस्तीफा लेना चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा, हमने साजिश के तहत ऐसे वीडियो बनाकर हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के कई मामलों को देखा है। जांच के बाद सच सामने आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। अगर यह सच है तो यह शर्मनाक है। हम नेताओं को नैतिक रूप से सही होने की जरूरत है, यही भाजपा की नीति है। आखिर क्या है पूरा मामला? बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक हक्कू होड़ता समिति के अध्यक्ष दिनेश कल्ला हल्ली ने बताया कि महिला के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर उनसे संपर्क किया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि मंत्री ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका यौन उत्पीड़न किया। मंत्री बाद में अपने वादे से मुकर गए। दिनेश कल्ला हल्ली ने सीडी के मामले में पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मंगलवार को मुलाकात की, जहां उन्हें कप्पन पार्क पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कल्ला हल्ली ने कहा, मैं इस सिलसिले में वकील से मिला। वकील ने पुलिस कमिश्नर से मिलने की सलाह दी और सीडी उन्हें सौंपने को कहा है। हम चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आए। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।